नमस्कार, सभी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। तो आज पोषण ट्रैकर ऐप में एक नया अपडेट आया हुआ है। ये जो अपडेट है आप लोगों के लिए 20.1 का एक न्यू अपडेट आ चुका है। तो आइए जानते हैं इस 20.1 का जो अपडेट है उसमें क्या बदलाव किया गया है। जैसे कि आप सबसे पहले यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे, अपना मोबाइल नंबर और एमपिन जैसे ही दर्ज करेंगे और उसके बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से पोषण ट्रैकर ऐप का एक अपडेट देखने को मिल जाएगा। ये नए वर्ष के तहत एक नया अपडेट आया हुआ है, तो सभी सेविका बहनें पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट ज़रूर कर लें। चलिए अपडेट कैसे करना है और क्या अपडेट आया है इसके बारे में आपको आगे के वीडियो में जानकारी मिलेगी। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आप लोगों को इसी पे क्लिक कर देना है। आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी जाके इसको अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहीं पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही अपडेट वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आप लोग अपडेट का ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अपडेट है वो 31 दिसंबर 2023 का ये अपडेट दिखा रहा है, यानी बीते वर्ष 31 दिसंबर 2023 को ये अपडेट आया हुआ है और आज है 1 जनवरी। तो आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनें इसको फटाफट से अपडेट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप लोग एरो पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 4 अपडेट देखने को मिल जाएगा। पहला अपडेट बता रहा है लो बर्थ वेट रिपोर्ट फॉर 0 to 6 month बेनिफिशरीज एडेड इन करेंट मंथ, यानी कि जिस बच्चे का बर्थ कम टाइम में ही हो जाता है उस बच्चे को आप लोग करेंट मंथ में ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो अपडेट है वो एमपीआर डाटा नाउ अवेलेबल सिंस अप्रैल 2023 ऑनवार्ड, यानी कि जो आप लोग एमपीआर देखते हैं, जो एमपीआर का फाइल बना हुआ है वहाँ पे अप्रैल 2023 से आप लोग अपना जो एमपीआर डाटा है वो देख सकते हैं। तीसरा जो अपडेट है वो बग फिक्स फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग, जैसा कि आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग करते होंगे तो उसमें कुछ बग आता होगा, कुछ प्रॉब्लम आती होगी, उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। और चौथा अपडेट है ऐप ऑप्टिमाइजेशन। तो ये 4 अपडेट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि 1 जनवरी से आप लोगों का जो फोटो अपलोड करने का जो सिस्टम है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि 1 जनवरी आज है और आज से आप लोग जो AWC फ़ोटो अपलोड करते हैं, बच्चों का मॉर्निंग स्नैक्स, सुबह का नाश्ता या जो कुछ भी आप लोग बच्चों को देते हैं उसका जो फ़ोटो है वो अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे 20.1 का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग बैक करेंगे और अपने पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने इसको अपडेट कर लिया, अब सिंपली इसको हम लोग यहीं से ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करके ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर और एमपिन डालने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर और एमपिन डाल लीजिएगा। डालने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका जो पोषण ट्रैकर ऐप है वो खुल के आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे 1 जनवरी से जो नियम लागू किया गया है वो आप लोगों को बता दें। यहाँ पे जो आप लोगों को फोटो अपलोड करना है वो जैसे कि SEM डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्निंग स्नैक्स, प्री स्कूल एजुकेशन, यानी कि आप लोग बच्चों का जो भी यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे उसका फोटो यहाँ पे कैमरे वाले पे क्लिक करेंगे और फोटो अपलोड कर देंगे। मैंने इसके रिकॉर्डिंग कल वीडियो में आप लोगों को उसका लेटर भी दिखाया था कि वो भारत सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है, अब आप लोगों को आज से ये जो काम है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो पहला अपडेट है उसके बारे में जानते हैं। जो पहला अपडेट आया है वो आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिशरी वाले कैटेगरी को ओपन करेंगे और ये जो अपडेट आया है चिल्ड्रेन वाले यानी 0 से 6 मंथ के जो बच्चे हैं उनमें आया है। लो बर्थ जो बच्चे का जन्म हो जाता है उनको आप लोग करेंट मंथ में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो अपडेट है वो आप लोगों को MPR फाइल वाले में देखने को मिलेगा। तो MPR फाइल को हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो कैलेंडर का ऑप्शन है, जैसा कि बताया जा रहा है कि अब आप लोग अप्रैल माह से जो आप लोग MPR का रिपोर्ट है वो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कैलेंडर वाले पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अप्रैल माह का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हाइड दिखा रहा है, यानी कि अप्रैल माह का जो ये ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। अप्रैल माह के बाद से आप लोग का जो भी यहाँ पे MPR का रिपोर्ट है वो आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि इस अपडेट में बताया गया है कि MPR का जो रिपोर्ट है वो अप्रैल माह से आप लोग देख सकते हैं, बट यहाँ पर ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा अपडेट था आप लोगों का यहाँ पे
ग्रोथ मॉनिटरिंग में जो आप लोगों को बग फिक्स हो रही थी, जैसे कि बच्चे का हाइट वेट डालने में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, उसको यहाँ पे फिक्स किया गया है। चौथा अपडेट है ऐप ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, उसको यहाँ पर ठीक किया गया है। तो यहाँ पे आज के टाइम में जो अपडेट आया है, चार अपडेट, ये बस यही अपडेट थी जिसके बारे में आप लोगों को आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली जानकारी मिल चुकी है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।